संभल एमपी जियाउर रहमान वर्क भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के मामले उजागर कर रही है। अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यूपी में जो वारदात हो रही है, एक पक्ष जांच नहीं बल्कि जांच कर सख्त कार्यवाही करें। सरकार जब कानून व्यवस्था सही नहीं कर रही तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। जब कानून व्यवस्था सही नहीं संभाल रहे तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। थूक जिहाद को लेकर योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार बना रही कानून, इस पर क्या वार? ये मसला किसी एक, किसी पक्ष, धर्म या बिरादरी से नहीं है, उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है। बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है भड़काने का काम। मौजूदा जो समस्याएं, परेशानियां हैं जो हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो उसमें किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह का हो, सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज के बयान, सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाते। एमपी जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है जो मंत्री होकर इस तरह की बातें करते हैं। उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो शपथ ले रहे हैं? उनकी तरह की बातों से यकीन हो रहा है कि वह इंसाफ और हक नहीं दे सकते। ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और सरकार भी, बीजेपी भी इसी तरह की हरकत करती है तो बीजेपी को भी बना नहीं रहना चाहिए। बहराइच में हो रहे विवाद को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस प्रशासन का होप निकल चुका है। सरकार सिर्फ कार्यवाही करते, हमारे समाज के खिलाफ करती है। इंसाफ ढंग से करती तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटती। एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि आखिर ये घटना घटी है तो क्यों घटी। अगर जो भी दोषी हो उसको कार्यवाही हो। एक तरफ इसमें जांच नहीं होनी चाहिए जब हालात सही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए, जिसकी जियाउर रहमान वर्क ने मांग की। देखिए, जिस तरह से लगातार थूक जिहाद के बारे में चल रहा है, वो कानून बनाने की बात की उत्तराखंड में भी और यहाँ योगी भी आज कैबिनेट मीटिंग में, क्या कह रहा है इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। खासतौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगंडा करने का काम करती है। और मेन चीज जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो, या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। से प्रपंडा कर करके अपनी राजनीति रोटियां नहीं, इन चीजों पर सीखनी चाहिए। गिरिराज जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले जाते अच्छा होता और हम लोग बट रहे हैं इसलिए विवाद चल रहा। मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। जो मंत्री होकर करके इस टाइप की बात करते हैं तो उनसे फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? जो शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं वहां पर, और जब इस पद को संभालने के लिए, और उनके बयानों से ये चीज साबित होता है कि वो यकीनन इंसाफ और हक नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और बल्कि पूरी बीजेपी ही इस पद रास्ते पे चलती है। सब तो सरकार को वैसे तो बने रहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब जनता के द्वारा बनाई सरकार है तो, लेकिन जो इस टाइप की मानसिकता वाले लोग हैं उनको यकीनन सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और सरकार में नहीं रहना। सर, अभी कई जगह पर विवाद हुआ है, उसको देखते हुए क्या कहते हैं कानून व्यवस्था के लिए? कहाँ का? जैसे अभी विवाद चला है वहाँ पर। अच्छा, बहराइच वाला जो मामला है, सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के, हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। और अगर इंसाफ और हक से काम करती तो शायद इस टाइप की घटनाएं नहीं होती। और जो घटनाएं हुई हैं तो इसमें मैं यही कहूंगा, मांग करूंगा, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये जो घटना हुई है क्यों हुई है, इसकी पहले जांच सही तरीके से हो किसी, और उसके बाद ही जो भी दोषी पाए जाए। ऐसे नहीं हो सिर्फ एक पक्ष को टारगेट कर कार्रवाई हो, जो भी पक्षों में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।